सो कुछ दिनों पहले हेयर मिनोक्सिडिल का मैंने रिव्यू दिया था एक ब्रांड का, और काफ़ी सारे लोगों का ये कहना था कि वो एक्सपेंसिव है उनके लिए। तो आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ, इसमें कोई भी पैसा खर्चा नहीं होने वाला है, बट आपके जो बाल गए हुए हैं वो वापस ज़रूर आ जाएंगे, ये बात बिल्कुल श्योर है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें लेना है सबसे साधारण चीज़, सबसे नॉर्मल चीज़, वो है छोटी सी अनियन यानी प्याज। आप इसको लेकर इसको ग्रेट कर लीजिए, और ग्रेट करने के बाद इसका निकाल लीजिए जूस। हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये जूस चाहिए। इस जूस से ही आपके जो बॉल्डनेस है बालों की, जो हेयर स्कैल्प पे बॉल्डनेस हो रखी है वो ठीक होगी, नंबर वन। प्लस हेयर रीग्रोथ में भी आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सेकंड जो मेन इंग्रेडिएंट हमने लिया है वो लिया है हमने यहाँ कैस्टर ऑयल, 100% प्योर। ये कोई भी दूसरा ऑयल यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको जो ये कॉन्कशन तैयार करना है, इसके लिए आपको चाहिए इक्वल अमाउंट ऑफ कैस्टर ऑयल, वो भी प्योर। ये चीज़ का आपको खासा ख्याल रखना है। अब आपको इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और ये बन गया आपका रेडिली अवेलेबल मिनोक्सिडिल, जैसा ही पोटेंट, बहुत ही इफेक्टिव कॉन्कशन जिसको आपको लगाना है अपने बालों में। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ आपको बता देती हूँ, जब भी आप कैस्टर ऑयल प्योर फॉर्म में लेंगे तो उसकी जो थिकनेस है, उसकी जो कंसिस्टेंसी है, वो काफ़ी ज़्यादा ठीक होती है, काफ़ी लिक्विडी कंसिस्टेंसी के साथ नहीं आता है। तो अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा डाइल्यूट इसे और कर सकते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ या तो आलमंड ऑयल से, यानी कि बादाम का तेल आप इसमें थोड़ा सा मिला सकते हैं, या फिर आप मिला सकते हैं इसमें कोकोनट ऑयल। इसके अलावा तीसरी चीज इसमें नहीं मिलानी है। अभी आप अपने बालों में लगा लीजिए, और इसको रखना है एटलीस्ट 2 आवर्स तक, इससे कम आपको अपने बालों में इसको नहीं रखना है। 30 मिनट्स लगा के अगर धो लिया तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसका बालों में अब्जॉर्ब होना, स्कैल्प में अब्जॉर्ब होना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अब इसकी इम्पॉर्टेंस की बात कर लेते हैं कि इतना क्यों इफेक्टिव हो जाता है। देखिए, अनियन जूस जो होता है वो आपके बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है, खासकर जिनके बाल झड़ गए हैं। अगर उस एरिया को वापस से अनियन जूस लगाकर ट्रीट किया जाए तो हेयर फॉलिकल्स में रीग्रोथ होती है। उसके साथ साथ इसके अंदर, क्योंकि अनियन के अंदर सल्फर होता है, तो हेयर फॉलिकल्स को, सेल को रीजनरेट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। प्लस अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं तो उससे भी आपको बचाता है, यानी हेयर थिनिंग से भी बचाता है। ऑन टॉप ऑफ दैट आपके बालों को टूटने से भी बचाता है। तो ये तो बात हो गई अनियन जूस की। अब कैस्टर ऑयल जो होता है वो रीग्रोथ करने में तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। ऑन टॉप ऑफ दैट आपके बालों को नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है, और बालों की हेल्थ को ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करता है। अगर आपने देखा हो तो DIYs, चाहे वो फिर आईब्राउज के लिए कोई DIY हो या फिर लैशेस के लिए हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कैस्टर ऑयल, क्योंकि हेयर रीग्रोथ में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये लगा के आपको छोड़ देना है, और उसके बाद कर लेना है शैम्पू। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये थोड़ा सा स्मेल करता है, तो शैम्पू में आप 1 चम्मच नींबू का जूस मिला सकते हैं या रोज़ वाटर मिला सकते हैं। स्मेल किसी भी तरह की हो नहीं रहेगी, और बालों का जो एक्सट्रीम मुलायम टेक्सचर होगा वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होगा। तो ये थी आज की इम्पॉर्टेंट वीडियो, लगाकर ज़रूर देखिए, 1 मंथ तक कंटिन्यूसली करिए, वीक में एटलीस्ट 3 टाइम्स आप लगातार लगा सकते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी क्वाइट अमेजिंग एंड क्वाइट इफेक्टिव। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप यू लाइक टुडेज़ वीडियो। प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए वीडियो को, और इसको साथ साथ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं मिलूंगी आपसे एक और इफेक्टिव और इम्पॉर्टेंट DIY के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्लीज अपना ख्याल रखिए, एंड डोंट फॉरगेट, यू आर ब्यूटिफुल, स्टे ब्यूटिफुल एंड बी ब्यूटिफुल। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय।